हेलो गाइस, वेलकम टू ई ट्यूशंस, ओडिशास फर्स्ट एंड लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, वेयर क्वालिटी एजुकेशन आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्टीज व्हिच इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक नंबर लाइन रिक्वायरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग रेशनल नंबर को कैसे हम बार में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं, ये सारा का सारा हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। उसके आगे उसके कंटिन्यूएशन में हम अभी पढ़ेंगे, जैसे कि पहला टॉपिक है अभी नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में, पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पहले भी हम नंबर लाइन में नंबर्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यहां पर हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट लेवल को जाएंगे। जैसे कि अगर हम एक नंबर लाइन में 2.665 को लोकेट करते हैं, उसको कैसे लोकेट करेंगे, इसको ना सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस में हम करेंगे। प्रोसेस क्या है मैं समझाता हूं, अच्छे से गौर से देखो क्या होता है। अच्छा ये देखो 2.665 ये जो नंबर है दैट लाइज बिटवीन 2 और 3 ना, पहले तो ये है कि ये जो नंबर है ये लाय करता है 2 और 3 के बीच में, दिस नंबर लाइज बिटवीन 2 और 3। तो हम नंबर लाइन में ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, वहां पर 2 और 3 यहां पे लिख लेते हैं और उसके बीच में कहीं पर 2.665 होगा जो हमें पता नहीं कहां पर है, ये हमें पता नहीं कहां पर है लेकिन हमें ये पता है कहीं पर होगा। ठीक है, तो कहां पर होगा ये पता नहीं। अच्छा 2 और 3 इन दोनों के बीच वाला पॉइंट जो होगा, दिस मिड पॉइंट विल बी हाउ मच बेटा, दिस मिड पॉइंट विल बी 2 + 3 / 2 दैट इक्वल टू 5 / 2, दिस विल बी 2.5 ना, 2.5। कोई एक मिड पॉइंट, कोई दो नंबर के बीच में मिड पॉइंट को कैसे हम निकालते हैं, उन दोनों को ऐड कर लो, सम जो भी सम निकला उसको 2 के साथ डिवाइड कर लो, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द मिड पॉइंट बिटवीन द टू नंबर। So between 2 और 3 the midpoint will be 2.5. Between 2 और 3 the midpoint will be 2.5. अच्छा यहां पे 2.5 है मतलब यहां पे कहीं पे 2.6 होगा, है कि नहीं, और उसके पास में कहीं पे 2.7 होगा। अच्छा ये जो 2.5 मैंने लिखा बेटा, 2.5 मैंने जो लिखा 2.5 को मैं ये लिख सकता हूं ना 2.500 या फिर 2.6 जो मैं लिखा इसको मैं लिख सकता हूं 2.600। Why? Because the zeros write to the decimal numbers, ठीक है, कोई एक decimal point के बाद जो number है उसको right side में जो जितने भी zero डाल दोगे ना उसमें number में value का कोई भी changes नहीं आता है। So I can say that 2.6 as 2.600, 2.7 as 2.700, है ना। तो 2.6 को मैं 2.600 बोल सकता हूं और 2.7 को मैं 2.700 बोल सकता हूं। अगर हम गौर से देखेंगे ये जो 2.665 ये जो नंबर है ना बेटा वो लाई करता है इन दोनों के बीच में, 2.600 और 2.700 के बीच में। अच्छा ये वाला नंबर लाइन को ना मैं जूम कर लेता हूं, अभी पकड़कर ऐसे जूम कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं जूम कर लेता हूं तो कहीं पे नंबर लाइन यहां पे कुछ आएगा, यहां पे 2.600 यहां पे आएगा और एक नंबर लाइन यहां पे आएगा 2.700 और इन दोनों के बीच में कहीं पर ये नंबर यहां पे 2.650 आएगा। इसका मतलब समझ रहे हो, 600 और 700 के बीच में जो नंबर होगा वो कितना होगा, 650 होगा। तो ये जो 600 और 700 के बीच में यहां पे कोई एक नंबर होगा जो कि 2.650 है और हमें नंबर कौन सा चाहिए, 2.665। अब अच्छा अभी जो 2.665 है ना वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, वो 2.650 और 2.700 इसके अंदर में कहीं पे लाई करेगा, हमें पता नहीं कहां पे लाई करेगा। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट, यहां पर अगर 2.650 है तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, 2.660 हो जाएगा और ये उसके पास में कहीं पे यहां पर होगा 2.670 यहां पर कहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसी को मैं जूम कर लेता हूं नंबर लाइन में कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक नंबर लाइन है 2.660 और यहां पे एक नंबर है 2.670, है कि नहीं, यहां पे दो नंबर ऐसा आ जाएगा।
अच्छा इस नंबर के बीच में यहां पे कौन सा नंबर आएगा, 660 और 670, इसके बीच में 665 आएगा ना, तो यहां पर आ जाएगा अपना 2.665, है कि नहीं। फाइनली हमें मिल गया, एक ही स्टेप में तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं था 2.665 कहां पर होगा, लेकिन दो तीन स्टेप के बाद हमें पता चल गया ये जो 2.665 कहां पर होगा। कैसे हमने किया, बस सक्सेसिवली जूम करते गए, जूम करते गए, जूम करते गए, तो ये जो 2.665 पहले क्या है 2 और 3 के बीच में लाया किया ये हमें पता था, फिर हमने उसको थोड़ा उसका मिड पॉइंट ले लिया 2.5, तो 2.665 2.5 और 3 के बीच में कहीं पे लाया करेगा उसको। और अगर हम गौर से देखे जो कि है 2.665 2.6 और 2.7 के बीच में लाया करेगा, उसको जूम करते गए तो 2.665 2.660 और 2.670 के बीच में लाया करेगा, उसको फिर से हमने डिवाइड करके पा लिया कि 2.665 जो है दैट विल लाई बिटवीन 2.660 एंड 2.670। तो देख रहे हो ना, एक ही स्टेप में हमें मिल नहीं रहा है, दो तीन स्टेप में हमें मिल रहा है। तो दिस नंबर, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव क्यों बोला जा रहा है कि एक ही स्टेप में नहीं मिल रहा है, दो तीन स्टेप में हम चलते जा रहे हैं, उसके बाद हमें फाइनल आंसर, फाइनल नंबर जो है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाए हमने, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। वही चीज यहां पे लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी नंबर लाइन में कोई भी रियल नंबर एक ही यूनिक पॉइंट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वैसे ही नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट अगर हम कंसिडर करेंगे वो सिर्फ एक ही और एक रियल नंबर को ही डिनोट करता है। मतलब ये नहीं कि 2.666666689 के लिए दो नंबर्स होंगे नंबर लाइन में, सिर्फ एक ही नंबर होगा, एक ही पॉइंट होगा जो कि उसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अलावा दूसरा कोई पॉइंट नहीं है जो कि जिसमें से वही नंबर उसी पॉइंट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जिसमें सिर्फ एक ही और सिर्फ एक ही रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यही बात लिखा गया है यहां पर। तो होमवर्क में ये वाला दो क्वेश्चन तुम कर लेना, 3.765 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और 4.26 को, और कमेंट में बताना, अगर तुम कर लिए तब भी बताना, अगर नहीं कर पाए तो बिल्कुल बताना कि सर ये हमसे नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अच्छा ऑपरेशन होता क्या है, ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन, ये सारे के सारे क्या होता है, ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो पहले भी तुम रेशनल नंबर के ऑपरेशन क्लास 8 में पढ़ चुके हो, अभी हम पढ़ेंगे इरेशनल। क्यों, हमें रियल नंबर का ऑपरेशन पढ़ना है ना, रियल नंबर का ऑपरेशन मतलब रियल नंबर्स में दो नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर भी आता है इरेशनल नंबर भी आता है, और रेशनल नंबर का जो ऑपरेशन है हमने क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, अभी हम आगे चलेंगे कि इरेशनल नंबर में कैसे ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन में आ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, वहां पे आता है कि इरेशनल नंबर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन को सैटिस्फाई करता है। अच्छा ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है बेटा, एडिशन के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ये वाला सैटिस्फाई करता है देन दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। वैसे मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट में क्या होता है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये होता है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। वैसे ही एसोसिएटिव में क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, अगर ये हुआ तो वो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है कि नहीं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, वो क्या होता है, a प्लस a होल इनटू b प्लस c, a होल इनटू b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए a होल इनटू b माइनस c इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
तो हमने यहां तक रेशनल नंबर के पढ़ लिए थे। अभी इरेशनल नंबर में क्या होता है, ये सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करता है, लेकिन इरेशनल नंबर में ये एक चीज है कि जो रिजल्ट आता है दैट रिजल्ट मे बी रेशनल, दैट रिजल्ट मे बी इरेशनल, वो एक चीज होता है। इरेशनल नंबर में जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है, जबकि बाकी दूसरे केसेस में क्या होता था, सारे के सारे रेशनल नंबर में जो भी ऑपरेशन में आंसर जो होता था वो हमेशा रेशनल नंबर होता था, बट इरेशनल नंबर के केस में ये नहीं होता है। अच्छा, यहां पे एक चीज तुम्हें गौर करना है कि इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर के बीच में अगर तुम कोई भी ऑपरेशन करते हो, एडिशन चाहे कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो, डिविजन कर लो, वो या तो इरेशनल नंबर हो सकता है या फिर रेशनल नंबर हो सकता है। ये कौन सा केस है बेटा? पहला केस है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, द रिजल्ट में बी अन इरेशनल नंबर, द रिजल्ट में बी अ रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, मल्टीप्लीकेशन हो जाए, डिविजन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमेशा इरेशनल होगा, वो रिजल्ट जो होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल, देखते हैं। जैसे कि एक हो गया रूट सिक्स और माइनस रूट सिक्स। ये देखो, रूट सिक्स को मैं माइनस रूट की सिक्स के साथ अगर ऐड करूंगा, ये दोनों क्या है, एडिटिव इनवर्स है, तो इन दोनों को ऐड करने पर आंसर जीरो आएगा, जीरो इज अ रेशनल नंबर। वैसे ही सब्ट्रैक्ट, रूट टू को रूट टू से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, तो जीरो इज अ रेशनल नंबर। रूट थ्री को रूट थ्री के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट थ्री का मतलब कोई भी नंबर में रूट, रूट का मतलब क्या है, टू दी पावर वन बाई टू, तो रूट थ्री का मतलब है थ्री टू दी पावर वन बाई टू इन टू रूट थ्री, थ्री टू दी पावर वन बाई टू, थ्री टू दी पावर वन बाई टू इंटू थ्री टू दी पावर वन बाई टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, याद है ना, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन। अगर बेस सेम होगा तो मल्टीप्लीकेशन में पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो 3 टू दी पावर 1 बाई टू इंटू थ्री टू दी पावर 1 बाई टू, बेस सेम है, बेस दोनों में 3 है, तो क्या हो जाएगा, पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू यहाँ पे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 बाई टू 1 हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 1 ये 3 हो जाएगा, 3 इज अ रेशनल नंबर। तो ये इसका आंसर 3 आ रहा है, और 3 क्या हो गया, 3 इज अ रेशनल नंबर, है ना। यहाँ पे देख रहे हो, दो ऑपरेशन, दो इरेशनल नंबर का ऑपरेशन भी रेशनल नंबर आ रहा है। यहाँ पे देखो, रूट 17 डिवाइडेड बाय रूट 17, दो इरेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेम नंबर है तो डिविजन के बाद 1 आएगा, 1 इज अ रेशनल नंबर, तो यहाँ पे रेशनल नंबर आ जाएगा, है कि नहीं, रेशनल नंबर आएगा। अभी देखते हैं कि जैसे कि मैंने बोला था, कोई एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे 7 और रूट फाइव, 7 रूट फाइव का मतलब क्या है, 7 इंटू रूट फाइव, 7 इंटू रूट फाइव, यहाँ पे 7 जो है वो रेशनल नंबर है, रूट फाइव जो है वो इरेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन हो वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर होगा, 7 इंटू रूट फाइव 7 रूट फाइव, तो 7 रूट फाइव क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। वैसे 7 डिवाइडेड बाय रूट फाइव, 7 रेशनल नंबर है, रूट फाइव इरेशनल नंबर है, दोनों के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, सो दिस विल बी अन इरेशनल नंबर। रूट टू प्लस 21, रूट टू इरेशनल नंबर है, 21 रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। पाई माइनस टू, पाई हमें पता है कि इरेशनल नंबर है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली इसका वैल्यू नहीं होता है। तो पाई माइनस टू, पाई एक इरेशनल नंबर है, टू एक रेशनल नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका आंसर भी एक इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आर टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री एंड रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री, ये कैसे करेंगे, टू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री, इसको ऐड करेंगे प्लस रूट टू माइनस थ्री रूट थ्री के साथ। अच्छा, यहां पे कैसे ऐड करेंगे, पहले देखते हैं कि सेम सेम इरेशनल नंबर कहां पे है, यहां पर रूट टू है और यहां पर भी रूट टू है, तो इन दोनों को एक जगह में ले आएंगे, यहां पर रूट थ्री है, यहां पर रूट थ्री है, तो ये दो नंबर को एक जगह में ले आएंगे। कैसे करेंगे, देखो गौर से, यहां पे टू रूट टू प्लस रूट टू, फिर रूट थ्री को एक साथ फाइव रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री, है ना,
ठीक है। अच्छा इसको कैसे करेंगे, गौर से देखो, टू रूट टू, रूट टू का मतलब क्या है, वन इंटू रूट टू है ना, रूट टू का मतलब क्या है, वन इंटू रूट टू प्लस फाइव रूट थ्री माइनस थ्री रूट थ्री। अच्छा पहले दो टर्म में, पहले दो टर्म में रूट टू कॉमन है तो मैं रूट टू को कॉमन ले आऊंगा, रूट टू अगर कॉमन ले आऊंगा दोनों में क्या रह जाएगा, टू रह जाएगा, टू और यहाँ पे प्लस वन रह जाएगा। लास्ट दो टर्म में मैं अगर दोनों में रूट थ्री ले आऊंगा कॉमन तो यहाँ पे रूट थ्री आ जाए, रूट थ्री कॉमन आने के बाद यहाँ पर फाइव आ जाएगा और नेक्स्ट यहाँ पर थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट टू होल इंटू टू प्लस वन क्या हो रहा है, थ्री हो रहा है प्लस रूट थ्री, फाइव माइनस थ्री क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई सिक्स रूट फाइव इंटू टू रूट फाइव कैसे करेंगे। देखो हमेशा ये वाला तुम याद रखना, रूट टू ए इंटू रूट टू ए इज इक्वल टू ए, या फिर रूट टू ए को इवन नंबर ऑफ टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आ जाएगा, रूट जो है वो निकल जाएगा, रूट ओवर जो है वो निकल जाएगा, रूट टू ए इंटू रूट टू ए ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए कोई भी एक रेशनल नंबर है, ए कोई भी रेशनल नंबर है या फिर ए कोई भी इरेशनल रियल नंबर है, ए इज अ रियल नंबर, तो रूट टू ए इंटू रूट टू ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये वाला समझ में आया, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सिक्स रूट फाइव को मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू रूट फाइव के साथ, तो क्या होगा बेटा देखो गौर से, सिक्स रूट फाइव आई कैन राइट इट एज सिक्स इंटू रूट फाइव इंटू टू रूट फाइव आई कैन राइट इट एज टू इंटू रूट फाइव, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिक्स इंटू रूट फाइव इंटू टू इंटू रूट फाइव को सिक्स इंटू टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व हो जाएगा, रूट टू रूट फाइव इंटू रूट फाइव ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो ट्वेल्व इंटू फाइव क्या हो जाएगा बेटा, ट्वेल्व इंटू फाइव ये हो जाएगा सिक्सटी, दिस इज द आंसर। अच्छा रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव क्यों हुआ, यहां पे मैंने बताया था ना रूट ए इंटू रूट ए इज इक्वल टू ए होगा, तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या हो गया, फाइव हो गया, ट्वेल्व इंटू फाइव क्या हो गया, सिक्सटी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एट रूट फिफ्टीन को डिवाइड करना है टू रूट थ्री के साथ, कैसे करेंगे, मतलब यहां पे मैं लिख ले रहा हूं एट रूट फिफ्टीन इसको मैं डिवाइड करूंगा टू रूट थ्री के साथ, है ना। तो पहले तो इसको यहां से डिवाइड कर लो, टू फोर जा एट, है कि नहीं, तो यहां पे क्या आ गया, फोर रूट फिफ्टीन डिवाइडेड बाय रूट थ्री। तो ये जो रूट फिफ्टीन को आई कैन राइट इट एज रूट फाइव इंटू थ्री, देखो रूट फिफ्टीन को मैं क्या लिखता हूं, फाइव इंटू थ्री, ऐसा क्यों लिखा मैंने, रूट फिफ्टीन का मतलब है फिफ्टीन टू दी पावर वन बाय टू, है कि नहीं। अच्छा इसको फिफ्टीन को मैं लिख सकता हूं ना थ्री इंटू फाइव टू दी पावर वन बाय टू, और अगर ऐसा लिखता हूं, अगर ऐसा लिखता हूं मतलब मैं अगर एक नंबर लिख रहा हूं a इंटू बी ए बी होल टू दी पावर m, ऐसे कोई एक नंबर लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। तुम पढ़े हो ये वाला रूल, ये वाला रूल पहले भी क्लास में तुम पढ़े हो, ए बी होल टू दी पावर m इज इक्वल टू ए टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। सो थ्री इंटू फाइव होल टू दी पावर वन बाई टू, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, थ्री टू दी पावर वन बाई टू इंटू फाइव टू दी पावर वन बाई टू, ये हो जाएगा। अच्छा थ्री टू दी पावर वन बाई टू इसका मतलब क्या है, वन बाई टू है मतलब ये रूट थ्री हो जाएगा, फाइव टू दी पावर वन बाई टू ये क्या हो जाएगा, रूट फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो फोर होल फोर इंटू रूट फाइव इंटू थ्री होल रूट बाय रूट थ्री, इसके जगह में न्यूमरेटर में मैं ये क्या लिख सकता हूं, फोर इंटू रूट फाइव इंटू रूट थ्री ये लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय रूट थ्री, है ना। यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट थ्री कैंसिल हो जाएंगे और आंसर में हमें क्या मिल जाएगा बेटा, आंसर में फोर इंटू रूट फाइव, आंसर में फोर रूट फाइव हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे नोट है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये पहले भी मैं बोल चुका हूं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। वैसे ही प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ ए इरेशनल नंबर इज इरेशनल,
ठीक है, तो वो नॉन जीरो रेशनल नंबर है ना, रेशनल और इरेशनल हो रहा है ना यहां पर। देखो हमेशा रेशनल और इरेशनल नंबर में कोई भी ऑपरेशन हो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, लेकिन लेकिन दो इरेशनल नंबर के बीच में कोई ऑपरेशन हो, दो इरेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एक्स। इसका थोड़ा बहुत चीज मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे कि रूट टू को कैसे करेंगे, रूट थ्री को कैसे करेंगे, रूट फाइव को कैसे करेंगे, लेकिन उसका कोई जनरल व्यू मैंने नहीं बताया था कि मतलब कोई भी चाहे रूट इलेवन दे दिया, रूट थर्टीन दे दिया, तुम क्या मतलब रूट टू से शुरू करोगे क्या पूरा लास्ट तक? वक्त नहीं होगा बेटा। तो उसके लिए एक जनरल व्यू है, जनरली जनरलाइज्ड प्रोसीजर है, रूट ऑफ समथिंग कोई भी नंबर दे दे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले सुनो उसके बाद मैं समझाऊंगा ये क्यों हुआ, लेकिन पहले सुनो ये कैसे करते हैं, फिर मैं समझाऊंगा इसको कि ऐसा क्यों हुआ बोल के। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा ये क्यों हुआ। जैसे कि रूट ओवर ऑफ एक्स दिया, एक्स के जगह में कुछ भी ले सकते हो, एक्स के जगह में टू थ्री फाइव सेवन इलेवन कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हो, ठीक है थर्टीन कुछ भी हो, उसको कैसे करेंगे? पहले जो भी यूनिट है ना एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, उतना यूनिट एक्स यूनिट पहले यहां पे ड्रॉ कर लेना, पहले यहां से यहां तक एक्स यूनिट ड्रॉ कर लेना। फिर क्या करना है, फिर वही पॉइंट में मान लो दो पॉइंट मैंने दे दिया ए और बी, यहां पे ए दे दिया यहां पर बी दे दिया, बी ए बी जो है वो एक्स यूनिट है, पहले मैंने क्या कर लिया ए बी को एक्स यूनिट लेके ड्रॉ कर लिया, और वहां पे बी में बी से मैं वन यूनिट एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया बी सी, बी सी को मैंने एक वन यूनिट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो टोटल ए सी, ए से सी तक कितना हो जाएगा बेटा, ए से सी तक ए सी हो गया एक्स प्लस वन यूनिट, ए सी क्या हो गया एक्स प्लस वन यूनिट। अभी इसी एक्स प्लस वन यूनिट को ना तुम्हें मिडिल पॉइंट निकाल के बाइसेक्ट करना है, x प्लस वन को तुम्हें बाइसेक्ट करना है, और जहां पे मिडिल पॉइंट निकलेगा उसी को तुम्हें O दे देना है, जहां पे तुम्हारा मिडिल पॉइंट निकलेगा वहां पे तुम्हें O दे देना है। मतलब ये जो A O डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, दिस डिस्टेंस A से O तक ये हो जाएगा x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, वैसे O से C भी हो जाएगा x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो O से तुम्हें रेडियस मान के सेंटर मानते हुए, ओ को सेंटर मानते हुए ओए रेडियस लेके तुम्हें एक सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ओ को सेंटर मानते हुए ओए को रेडियस लेके तुम्हें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर तुम्हें ड्रॉ करना है, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो सेमी सर्कल को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा लेट दैट पॉइंट बी डी, जहां पर वो सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को मान लेते हैं डी, और बी से डी का जो डिस्टेंस होगा द डिस्टेंस विल बी रूट एक्स। मतलब अगर यहां पे एक्स की जगह में तुम टू लेते हो तो बी डी विल बी रूट टू, अगर एक्स के जगह में तुम थ्री लेते हो तो बी डी विल बी रूट थ्री, एक्स के जगह में इलेवन लेते हो तो बी डी विल बी रूट इलेवन। ठीक है, ठीक है, ये से ड्रॉ करेंगे, पहले क्या करेंगे जितना जिसका भी रूट ओवर निकालना है उतना यूनिट पहले ले लेंगे, फिर एक एक्स्ट्रा वन यूनिट हमें उसी पे कंटिन्यूएशन में लेना है, उसके बाद टोटल को हमें बाइसेक्ट करके एक पॉइंट निकालना है ओ पॉइंट, और ओ से रेडियस लेके हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, और वो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जहां पर वो सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा बी से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो रूट ओवर जो भी हमें दिया रहेगा उतना होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है सब सही है या फिर गलत है, सर ऐसे बोल दिए, वो भी हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो यहां पे एक ट्रायंगल मैं ओ और डी को कनेक्ट कर लूंगा अगर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर गौर से देखोगे, अगर मैं ओ डी को अगर कनेक्ट कर लूंगा सो ओ बी डी विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओ बी डी ये क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ओबीडी इज अन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है,
अच्छा ओबीडी में ओडी जो है, ओडी ओडी जो है वो रेडियस है ना, ओडी जो है वो रेडियस है, और पहले हम रेडियस ओए को लेके सेमी सर्कल ड्रॉ किए थे, तो ओए इज इक्वल टू ओडी होगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ओडी। ओडी का वैल्यू कितना हुआ, x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। अच्छा AB को हमने x यूनिट लिया था, AB इज इक्वल टू x यूनिट हमने लिया था, पहले से लिया था, देखो यहां पे लिया था, ठीक है, AB इज इक्वल टू x यूनिट लिया था। AB जो है वो कैसे बना है बेटा, AB जो है वो बना है AO प्लस OB से, AO प्लस OB को अगर हम ऐड कर देंगे वो AB बन जाएगा, तो AO प्लस OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x यूनिट, और AO जो है वो रेडियस है, और हमें पता है AO का वैल्यू जो है वो कितना है, x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, है ना, x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू प्लस OB, ये हो गया कितना, x यूनिट। तो OB का वैल्यू कितना हो गया बेटा, OB का वैल्यू, OB इज इक्वल टू x माइनस x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ये हो जाएगा, ठीक है। OB कितना हो जाएगा, x माइनस x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। अभी मैं अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा, ब्रैकेट तो बाद में ओपन करेंगे, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये 2 हो जाएगा, 2x माइनस x प्लस वन। अभी अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस x माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, 2x माइनस x, ये हो जाएगा x, तो x माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, ये किसका वैल्यू हो गया, OB का, OB इज इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, ये हो गया OB, ठीक है। अच्छा OB का वैल्यू x माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, OD का वैल्यू कितना है, x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। अभी OBD राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा, ओडी स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा ओबी स्क्वायर का वैल्यू हमें, ओबी का वैल्यू पता है, ओबी वैल्यू कितना है, एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, इसका होल स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो बीडी स्क्वायर को ऐसे ही लिखने देते हैं, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर, ओडी कितना है, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है। That implies BD square क्या हो जाएगा बेटा, BD square will be how much? BD square will be x plus 1 divided by 2 whole square minus x minus 1 divided by 2 whole square। अगर बचपन में तुम पढ़े होगे a plus b का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है वो 4ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे मैं लिख रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ये होता है, ठीक है। तो यहां पर भी वैसा ही देखते हैं, ये जो x प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे ऐसे 4 लिख लूंगा, और ऊपर में क्या लिख लूंगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4ab। 4ab के जगह में मैं क्या लिखता हूं, a के जगह में x लिख सकता हूं, b के जगह में 1 लिख सकता हूं, 4x into 1 divided by 4, यहां पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, then bd square will be how much बेटा, bd square will be x, अगर bd square x हो गया बेटा, that implies bd will be how much बेटा, bd will be root over of x, है कि नहीं, bd will be how much, root over of x। तुम बोलोगे सर minus root x क्यों नहीं है, देखो यहां पे जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं प्लस ले रहे हैं, माइनस अगर नीचे में अगर हम लेते हैं तो वो माइनस होता बिल्कुल, यहां पे हम ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर में ले रहे हैं तो प्लस एक्स ले रहे हैं, प्लस रूट ओवर एक्स, अगर नीचे होता तो माइनस रूट ओवर एक्स लेते। तो
घूम फिर कर ये मेन हमारा टॉपिक था कि बीडी जो है वो रूटेक्स आएगा कि नहीं, या फिर सर ऐसे ही बोल दिए कि ऐसे कुछ ड्रॉ कर लो, ऐसे बाइसेक्ट करके सेमी सर्कल बना लोगे तो जहां पे वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा रूटेक्स निकलेगा। ये सच है कि नहीं है वो प्रूफ हमने यहाँ पर किया कि बीडी जो है वो रूटेक्स निकल रहा है। यहाँ पर बीडी का वैल्यू जो है यहाँ पर रूटेक्स निकल रहा है, तो मतलब क्या है कि कोई भी चाहे वैल्यू दे दे, चाहे रूट 7 दे दे, रूट 11 दे दे, रूट 13 दे दे, रूट 17 दे दे, हम बना सकते हैं। रूट 17 अगर दे दिया तो 17 यूनिट पहले ले लोगे, फिर वहां से एक यूनिट एक ले लोगे, टोटल 18 यूनिट हो गया। तो उसको बाइसेक्ट कर लोगे, बाइसेक्ट कर लोगे तो 9 यूनिट में जो पॉइंट होगा वहां पे सेंटर को पकड़कर रेडियस से एक सेमी सर्कल बना लोगे, और वहां पे ए बी पॉइंट से बी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, वो सेमी सर्कल को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रूट 17 बोलेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया नहीं आया? तो ये वाला टॉपिक आज का पढ़ाई यहां तक रखते हैं। तो बिल्कुल यहां पर कोई भी डाउट हो तो तुम बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये वाला पोर्शन हमें समझ में नहीं आया। सो आई विल मेक श्योर दैट इन द नेक्स्ट क्लास योर डाउट विल बी क्लैरिफाइड। So before ending the class, I would like to say eTuition is the largest and first digital platform of Odisha for online education, which is dedicated towards education for better tomorrow. Or you can install our application from Play Store also named as eTuitions and see number of live classes, recorded classes in there. Also, you can follow us on Facebook, Twitter, Instagram and you can visit our website eTuition.com. अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आपके सारे के सारे दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और वहां पे ऑल के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल में नया नया वीडियो नया नया क्वालिटी कंटेंट अपलोड हो रहा है आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप अच्छे से घर में बैठकर मुफ्त में पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए हम क्लास को यहां पे रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। कोरोना के टाइम है, बाहर मत जाइए, अपने आप को बचा के रखिए और बिल्कुल बाहर मत जाइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।